हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज सूरज कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सूरज सर। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पास्ट इन्फिनिट टेंस के जो डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन है, डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया था। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन को पहचानते हैं और किस तरीके से डियर फ्रेंड्स डब्ल्यू एस टाइप जो क्वेश्चन है उसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो इसके अलावा मैंने इसके जो पिछले वाला जो वीडियो है उसमें आपको बताया था पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, फिर डिस्टेंट यस और नो टाइप सेंटेंस के बारे में। मैंने आपको जो बेसिक चीजें है मैंने बताया था कि किस तरीके से ऐसे सेंटेंसेस को हम पहचानते हैं और पहचान कर ट्रांसलेट करते हैं। डिस्टेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको पास्ट इन्फिनिट टेंस में बेसिक चीजें जो मैंने आपको बताया है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा। आज का जो हमारा सेशन होने वाला डियर स्टूडेंट, आज का हमारा सेशन है यूज ऑफ पास्ट इन्फिनिट टेंस इन वेरियस सिचुएशन। मींस डियर स्टूडेंट कि आज हम जानेंगे कि पास्ट इन्फिनिट टेंस का जो प्रयोग होता है किन किन सिचुएशन में होता है। तो आइए डियर स्टूडेंट जानते हैं कुछ रूल्स होते हैं बेसिक टू एडवांस में, आइए इसको जानते हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जो पास्ट इन्फिनिट टेंस होता है, पास्ट इन्फिनिट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो बीते हुए समय में घटित या समाप्त हुए हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ स्टूडेंट कि पास्ट इन्फिनिट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो बीते हुए समय में, ध्यान दीजिएगा, जो बीते हुए समय में क्या होता है, घटित या समाप्त हुए हो। तो ऐसे कंडीशन में या ऐसे सिचुएशन में क्या होता है आपका पास्ट इन्फिनिट टेंस का प्रयोग होता है। को समझते हैं, जैसे ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, वह कल दिल्ली गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ जो एक्शन हो रहा है आपका, एक्शन क्या हो रहा है आपका कि बीते हुए समय में वो कल दिल्ली गया। यहाँ जो कार्य हो रहा है, यही आपको ध्यान देना है कि जो पास्ट इन्फिनिट टेंस होता है इसमें जो एक्शन होते हैं हमेशा आपका बीते हुए समय में होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, मीन्स क्या डियर स्टूडेंट, वह बीते हुए समय में, मीन्स क्या है कि वह कल दिल्ली गया डियर स्टूडेंट। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं, आई बॉट अ पेन यस्टरडे, मैंने मैंने कल एक कलम खरीदा। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्टिविटी हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है डियर स्टूडेंट, ये बीते समय में हो रहा है। जब भी आपका बीते हुए समय में कोई भी घटना घटित होती है या कोई भी कार्य कंप्लीट होता है डियर स्टूडेंट, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि पास्ट इन्फिनिट टेंस का प्रयोग होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। आपको ये ध्यान देना है कि जब भी कभी आपका कोई भी एक्शन हो, कोई भी कार्य हो, जब आपका बीते समय में डियर स्टूडेंट घटित होता है या एक्शन होता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वो पास्ट इन्फिनिट टेंस होता है। अगला एग्जाम्पल लेकर डियर स्टूडेंट, सी केम टू सी मी लास्ट नाइट, सी केम टू सी मी लास्ट नाइट, वह मुझे पिछली रात देखने आई। यहाँ भी देखिए डियर स्टूडेंट, इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि जो एक्शन हो रहा है, एक्शन कब हो रहा है डियर स्टूडेंट कि पिछली रात हो रहा है, वह मुझे पिछली रात देखने आई। डियर स्टूडेंट आपको यही ध्यान देना है कि जब भी कोई कार्य होगा वो क्या होगा आपका, बीते समय में आपका घटित होगा या समाप्त होगा। मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको जब पहला रूल है, पहला रूल बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट ये एडवांस रूल है और इसको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए जानते हैं कैसे टाइप के सेंटेंस हम पहचानते हैं। कुछ डियर स्टूडेंट ऐसे वाक्यों में क्या होता है कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट कि ये जो सेंटेंस होते हैं, पास्ट इन्फिनिट जो टेंस होते हैं, इस सेंटेंसेस में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स यूज किए जाते हैं। सपोज या कह सकते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम यूज किए जाते हैं जैसे, जिनके द्वारा हमें पता चलता है कि हमारा जो एक्शन है, एक्शन क्या है, बीते हुए समय में हुआ है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ स्टूडेंट कि जो पास्ट इन्फिनिट टेंस होता है, पास्ट इन्फिनिट टेंस का मतलब ये होता है, इट मींस पास्ट टाइम, मतलब क्या रिएक्शन, बीता हुआ समय। तो इसमें क्या होता है, पास्ट इन्फिनिट टेंस में क्या होता है कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स यूज किए जाते हैं रिएक्शन। या हम कह सकते हैं कि ये जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं वो क्या होता है आपका, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है रिएक्शन, क्रिया विशेषण या समय सूचक क्रिया विशेषण बोल सकते हैं रिएक्शन, इन शब्दों का आपका प्रयोग होता है। जैसे yesterday morning, yesterday noon, yesterday evening,
द डे बिफोर यस्टरडे फिर ये सुना लीजिएगा द अदर डे एगो लास्ट मॉर्निंग इवनिंग लास्ट नाइट लास्ट डे लास्ट वीक लास्ट मंथ लास्ट ईयर लास्ट मोमेंट। डियर से ध्यान दीजिएगा कि ये ऐसे एडवर्ब्स है जिसे हम बोल सकते हैं कि पास्ट एडवर्बियल ये वर्ड सजेस्ट है। ये जो वर्ड्स मैंने अभी आपको बताया ये वर्ड्स हमेशा आपका पास्ट इन्फिनिटिव टेंस में यूज होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, ये जो हमने वर्ड्स बताया है ये वर्ड्स हमेशा क्या होता है कि पास्ट इन्फिनिटिव टेंस में यूज किया जाता है। और ये हमेशा क्या बताता है स्टूडेंट, पास्ट एक्शन को बताता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट जो बेसिक टू एडवांस में जो पहला रूल है आपको क्लियर हुआ होगा। आइए जानते हैं कि सेकेंड रूल क्या है आपका। सेकेंड रूल पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सेकेंड रूल जो होता है आपका पास्ट हैबिचुअल एक्शन। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सेकेंड रूल जो है आपका पास्ट हैबिचुअल एक्शन। पास्ट हैबिचुअल एक्शन का मतलब समझिए स्टूडेंट कि बीते हुए समय में जो हमारी आदत हो, जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं एक पुस्तक पढ़ा करता था। डेस्टन ध्यान दीजिएगा ये क्या है, ये मेरी आदत है जो बीते हुए समय में हुआ करता था लेकिन अब ये चीजें नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ डेस्टन कि ये जो पास्ट हैबिचुअल एक्शन का मतलब ये होता है कि बीते हुए समय में आपका आदत मीन्स क्या है, जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था लेकिन डेस्टन अब नहीं खेलता हूँ। और डेस्टन ये भी जान लीजिएगा ऐसे सेंटेंसेस के लिए क्या किया जाता है, पास्ट इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। मैं फिर से रूल रिपीट करता हूँ, जैसे पास्ट हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए डेस्टन क्या करते हैं, पास्ट इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू डेस्टन समझते हैं। ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल से, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट इट मीन्स डिस्टेंट यहां जो बताया जा रहा है डिटेल्स अबाउट आवर पास्ट हैबिचुअल एक्शन। ये क्या बता रहा है आपका, बीते हुए समय की जो आदत है उसको बता रहा है। मीन्स क्या डिस्टेंट, आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था लेकिन अब क्रिकेट नहीं खेलता हूं। ये क्या बता रहा है डिस्टेंट, ये आपका पास्ट एक्शन को बता रहा है। ये पास्ट एक्शन में किसको बता रहा है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है ये सेंटेंस। फिर देखिए दूसरा सेंटेंस, सी अब्यूज्ड इट मीन्स डियर स्टूडेंट वह गाली दिया करती थी लेकिन अब वह गाली नहीं देती है। ये जो आदत है इसका पास्ट का है, बीते हुए समय का है। कि यही ध्यान देना आपको कि जब कोई आपका आदत बीते हुए समय में हो और वो आदत को बताता है तो ऐसे कंडीशन में डिस्टेंट हमेशा हम पास्ट इन्फिनिटिव टेंस का प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, they went to the temple। वे मंदिर जाया करते थे लेकिन अब मंदिर नहीं जाते हैं। देखिए ये जो भी मैंने आपको सेंटेंसेस बताया है ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो पास्ट की आदत को बता रहे हैं कि पास्ट में उनकी आदत थी लेकिन प्रेजेंट टाइम में उन्होंने अपनी आदत छोड़ दिया है। आइए इसको ध्यान देते हैं, इसी सेंटेंस को हम तीन तरीके से बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे, ये जो यूज होता है स्टूडेंट आई यूज्ड टू, सेंस आपको वही रहता है, I used to play cricket। मैं क्रिकेट खेला करता था, वही चीज है। हम यहाँ यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं या उड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान देना ये दोनों क्या कर रहा है, ये भी सेंटेंस आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज कर सकते हैं या स्टूडेंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई यूज टू प्ले क्रिकेट। इन दोनों का सेंस आपका यही है कि मैं क्रिकेट खेला करता था लेकिन अब क्रिकेट नहीं खेलता हूं। ध्यान दीजिएगा यूज टू भी हम लिख सकते हैं, यूज टू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, उड का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, सी यूज टू अब्यूज, सी यूज टू अब्यूज, वह गाली दिया करती थी। हम यूज टू की जगह पे या तो हम यूज लिख सकते हैं
यूज्ड टू या हम वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं या हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। आगे देखिए, दे यूज्ड टू गो टू टेम्पल। वे मंदिर जाया करते थे, बात आपको वही है, हम यूज्ड टू भी लिख सकते हैं, वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, यूज टू भी लिख सकते हैं, वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं या वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी लिख सकते हैं। इनसे स्टूडेंट आपका पास्ट हैबिचुअल एक्शन के बारे में पता चलेगा कि हमारा पास्ट में आदत था लेकिन अब वो आदत नहीं है। तो स्टूडेंट अगर आपको समझ में आया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है स्टूडेंट। जो हमारा नेक्स्ट जो सेशन है, नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा जो इसका अगला रूल्स है बेसिक टू एडवांस में, उसके बारे में बताऊंगा। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।